आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। उमरिया जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र मंठार के अधिकारियों और ठेकेदारों की कारगुजारी एक बार फिर सुर्खियों में है। यहां पर काम कर रहे कोल खापड़ के मजदूरों की मजदूरी का फायदा उठा रहे ठेकेदार के एलॉजिस्ट कंपनी 31 जून से कोल हापड़ की कमान संभाली तो वहां काम कर रहे मजदूरों की मजदूरी पहले से और कम कर दी गई। इसको लेकर मजदूरों ने प्रबंधन के सामने धरने पर बैठने को हुए मजबूर। प्रशासन नहीं ले रहा सुध। मजदूर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी आवाज बुलंद की। मजदूरों की मांग है कि विद्युत केंद्र में काम कर रहे मजदूरों के जैसे गेट पास दिया जाए ताकि वह अपनी पहचान बता सके। अक्सर देखा गया है कि एक्सीडेंट होने पर वही काम कर रहे मजदूर को अपरिचित साबित कर दिया जाता है क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का पहचान पत्र या गेट पास नहीं होता। मजदूरों ने आरोप लगाते हुए कहा पिछले 4 साल से कोल हापन में काम कर रहे हैं, मजदूरों को ना ही गेट पास दिया जाता है ना ही हमारे जान की सुरक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार की कोई सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, फिर भी हमने कोई शिकायत नहीं की। हमारी मजदूरी 1100 से घटाकर 200 कर दी है जो कि सीधे हमारे पेट पर लात मार दी गई है। मजदूरों ने कहा हम अनपढ़ हैं, उसका फायदा ठेकेदार और प्रबंधन उठा रहे हैं। हर बार की तरह इस बार भी हमसे किसी भी अधिकारी ने बात करने की चाही लेकिन नजर फेरते नजर आए अधिकारी। मजदूरों ने कहा जो कोई भी ठेकेदार के खिलाफ आवाज उठाता है उसे काम से निकाल दिया जाता है, उसे ही नहीं उस गैंग को भी काम से निकाल दिया जाता है और हमारी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता। हम मजदूर हैं, अपना हक मांग रहे हैं। वहीं कोल फापड़ में एक लॉजिस्ट कंपनी के ठेकेदार और सुरक्षा अधिकारी राघव सर ने बताया कि इनकार कर दिया है। वह कंपनी के लीगल अधिकारी रजनीश चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया कि इसकी पूरी जानकारी हमें नहीं है, जो भी कमी है उसे दूर किया जाएगा, गेट पास और जो भी सुरक्षा उपकरण है उन्हें जल्द से जल्द मुहैया कराया जाएगा, लेकिन पुराने रेट की मजदूरी देने से साफ इनकार करते हुए चलते बने। आखिर कब होता रहेगा संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र में मजदूरों के साथ उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़। शायद ऐसा कोई महीना ना हो जब एमडी सीएमडी ना आते हो निरीक्षण में लेकिन वो भी खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। यही समस्या है सर, पहले 1100 रुपया बक्स मिलता रहा था। हमारे ठेकेदार ने शनिवार को डेट से बोला है कि यह आपको 200 रुपया बक्स मिलेगा और आप दो ही आदमी में एक एक आदमी में काम किया जाए तो हमारे 4 लेबर कहाँ जाएंगे, 4-6 लेबर। नहीं तो कौन से बॉक्स खाली करने के लिए आपको 200 रुपये मिलेगा बोला गया है? बीओबी बीओबी सर। और दूसरे जो बॉक्स खाली करेंगे वो तो एनी बॉक्स 1100 रुपया एन बॉक्स। और पहले बीओबी खाली करने का कितना पैसा मिलता था? 1100 बॉक्स। अच्छा, 1100 रुपये काट के उसको कम कर दिया गया? कम कर दिया गया। और क्या समस्याएं हैं? हमारी समस्या यही है सर कि गेट पास नहीं है, हमको बिना गेट पास के काम करवाया जाता है, कोई सुरक्षा नहीं दिया जाता है हमको, जैसे हेलमेट हो गया, जूता हो गया, यही समस्या है। कितने वर्षों से आपको जूते हेलमेट ये सब नहीं मिले? अभी 3-4 साल से, पहले तो जूता मिलता था सर, अभी 3-4 साल से जूते नहीं मिले। ये पहले तो सुरेश अग्रवाल, अब नया टेंडर है तो हमको ठेकेदार का ही मालूम नहीं है कि कौन सा है। वो पेटी कंडक्ट में चतुर्वेदी नाम का एक ब्राह्मण है, वही ठेका लिया है बोलता है मेरे। हमें जो पहले काम करते थे उसमें हमें 1100 रुपये बॉक्स मिलता था लेकिन अब बीओबी में हमें 200 रुपये बॉक्स दिया जा रहा है जिससे कि हम बहुत परेशान हैं और हमें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, जैसे कि सेफ्टी में ना जूता, ना नोज मास्क, ना हेलमेट। और तीसरी प्रॉब्लम ये है पानी भी इतना गर्म आता है जिससे हम कोई भी ना नहा सकते ना पी सकते, और बस परेशानियां यही हैं। गेट पास नहीं बना, गेट पास के लिए कई बार डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है, कई बार ऐसे ले चुके हैं। गेट पास के बिना कब से आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर? गेट पास के बिना हमको 3-4 नहीं कम से कम 10 साल से ज़्यादा हो गए होंगे सर, लगभग 10 साल से। आज तक आपको गेट पास नहीं मिला? नहीं मिला सर, बिना गेट पास के ही आते हैं और जाते हैं। और सेफ्टी की चीज़ें आपको कब से मिली हैं? सेफ्टी भी सर 2-3 साल हो गया हमको नहीं मिल रहा, पहले जूता वगैरह मिल जाते थे और अभी कुछ भी नहीं। हम अपने पैसे से जूता खरीदते हैं और सब कुछ अपने पैसे से करते हैं, कोई हाजिरी कार्ड भी कुछ नहीं, वो खाली हर शनिवार को पेमेंट होती है, उसी में 6 लेबर रहते हैं एक गैंग में, वही अपन में बांट लेते हैं। आपकी हाजिरी कैसे लगाई जाती? हाजिरी वो हमारी लगती है रजिस्टर में, वो सुपरवाइजर लोग लगाते हैं गैंग बाई गैंग। क्या कुछ चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं वो पूरी हो, जैसे कि हमें 200 रुपये बॉक्स दिया जा रहा है, हमको 1100 रुपये पहले मिलता था और 1100 रुपये ही हमें चाहिए। हमारी मांग ये है और हम कुछ नहीं चाहते। और
एके लॉजिस्टिक कंपनी है, इनको काम हैंडओवर किया गया है। मैं कंपनी का लीगल काम देखता हूँ। ये कंपनी में जो अनलोडिंग कोयला आता है उसकी अनलोडिंग का काम जो है इनको बाकी काम के साथ भी अनलोडिंग का काम भी दिया गया है। अनलोडिंग में क्या है, दो प्रकार के बॉक्स आते हैं, एक आता है एन बॉक्स आता है, एक बी ओ बी आर एन आता है। एन बॉक्स जो है 6 आदमी से खाली होता है, बी ओ बी आर एन में सिर्फ 2 आदमी की आवश्यकता पड़ती है। उसी हिसाब से बोर्ड रेट भी देता है। अब ये है कि बी ओ बी का इनका कहना है कि जो एन बॉक्स का पेमेंट हो रहा है वही बी ओ बी में हो, जो किसी भी हालत में ये मांग संभव नहीं है मांग लेना। जो पिछले ठेकेदार थे उनका बीओबी का भी यही रेट। हाँ, उस समय चूंकि बीओबी आरएन कम आती थी, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा बीओबी आरएन का आना चालू हुआ। पहले बीओबी इक्का दुक्का कभी महीने में एक आध बार आती थी, तो ये कोई ऐसा इशू नहीं था कि जो कभी स्टैंड हो पाया, वो कंटिन्यूएशन में चलते गया। लेकिन अब चूँकि बीओबी आ रही है और नई जो कंपनी आई है, ये कंपनी बीओबी जो है वो मैन पावर है, चूँकि 20 आदमी ज़्यादा लगना नहीं है, 120 आदमी को लगा के वो रखेंगे। बीओबी खाली होती है मैनुअल में, मैंने मैन पावर में 20 आदमी में, और एन बॉक्स खाली होता है, ये बॉक्स सिस्टम से खाली होता है। इनके द्वारा आपके ऊपर आरोप भी लगाया जा रहा है कि आप इन्हें सुरक्षा उपकरण कोई भी मुहैया नहीं करवाते हैं, ना ही गेट पास नहीं, इनको समय समय पर गमछे हेलमेट जूते दिए गए हैं। अब क्या है, ये लेबर बदलते भी रहती है, कई काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, कहीं आते हैं छोड़ चले जाते हैं। अब नए लोगों की जानते हो, मैं अब मेरे पास पूरे रिकॉर्ड हैं, उसको देख करके बता पाऊंगा पूरी जानकारी। कई पुराने लेबर भी खड़े हैं, वो मैं देख क्योंकि और ऑफिस से ही देख के बता पाएंगे कि कब भुगतान हुआ इनको। जितने लेबर काम कर रहे हैं किसी के पास भी गेट पास या उनकी पहचान पत्र नहीं है कि वो नहीं, गेट पास तो इशू कराए गए हैं, अब उसको भी देखना पड़ेगा कि कितने लोगों का इशू है, वो मैं आपको रिकॉर्ड बाद में दे सकता हूँ यदि आप चाहेंगे। पता चला कि गेट पास सिक्योरिटी से इशू हो चुके हैं, लेकिन ठेकेदार के द्वारा लेबरों को नहीं दिया। अब ये तो ऑफिस में जाके ही देख पाएगा। प्रवीण तिवारी, रिपोर्ट।